बेटा, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? कोई है? आप चलो मेरे साथ, हाँ? मेरे साथ आओ आप। बस 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 बस, ये लो बेटा, आप मैगी खाओ। हाँ जी, आ गई आ गई। दूध पीना, दूध पीना। बेटा आप नूडल्स खा ही नहीं रहे हो, मैं खिला दूं? बस 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 बस। आप लोग यहाँ कैसे? मैं इन्हें लेकर आया। वो बच्चे कहाँ हैं? जी ये रहे। बस 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 बस। ये बच्चे कहाँ मिले? जी मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से आ रही थी तो तभी। सर मैंने बहुत आवाज दी लेकिन फिर क्या करती, बारिश होने वाली थी, मैं भी भीगती और बच्चे भी भीग जाते, इसलिए यहाँ ले आई। सोचा पहले कुछ खिला दूँ फिर आपको फोन करने ही वाली थी मैं। आपको खिला दिया ना? बेटा आपका नाम क्या है? जी बच्चे बहुत ही डरे हुए, मैंने भी पूछने की कोशिश करी लेकिन कुछ बोले ही नहीं। गिरीश एक काम करो, पूरे कमल नगर एरिया को छान मारो, मुझे लग रहा है अगर माँ बाप कहीं आसपास होंगे बच्चों के लिए जरूर परेशान होंगे। और आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट भी चेक करो। एक बात और, बच्चे जहाँ पर मिले हैं अगर वहाँ पर सीसीटीवी है तो उसके फुटेज भी चेक करो। अब बच्चे को तैयार कर दीजिए, हम लोग इसे किसी एनजीओ में शिफ्ट कर देंगे। एनजीओ क्यों? आप उन्हें यही रहने दीजिए ना हमारे पास। अब मैं एक बैंक की एम्प्लॉई हूँ, आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी हमें किसी एनजीओ के बारे में पता करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप बच्चों को अपने पास रख सकते हैं। थैंक यू साहब, जल्दी पता लगाइएगा, मुझे आपके फोन का इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल। ये तस्वीर में कौन है? ये हमारी बेटी है, स्कूल के स्विमिंग पूल एक्सीडेंट में। आई एम सो सॉरी, आप लोग एक बार पुलिस स्टेशन आ जाइएगा, FIR दर्ज कर लेंगे। थैंक यू। जी चलो। जी सर। नीता ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। ठीक तो तुम नहीं कर रहे हो रंजन। इन दोनों फोटो की जरूरत करके सारे शहर में पूछ लो। एक्सक्यूज मी सर, बच्चों के पेरेंट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी? नहीं सर, अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। बच्चे नीता अवस्थी के घर पर है, हम इनजो से भी पता कर रहे हैं लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए फिलहाल बच्चों को उनके घर पर ही छोड़ दिया। बच्चे वहाँ पर काफी कंफर्टेबल है और फैमिली भी काफी भरोसेमंद है सर। ठीक, सभी पुलिस स्टेशन से अपडेट लेते रहो और स्टेट के सभी पुलिस स्टेशन से कॉन्टेक्ट करो, हो सकता है ये लोग कहीं बाहर से आए। लेकिन इतने छोटे बच्चों को लावारिसों की तरह छोड़कर माँ बाप क्यों चलते? दुकान आपकी है और आपको नहीं पता कि ये बॉक्स कहाँ से है? साहब देवी मार्ग के सब, हमको कुछ नहीं पता सर। दुकान खोलते कितना बजे? साहब दीपक दुकान खोलता है 9:30 बजे।
जब तुमने दुकान खोला किसी को बॉक्स रखते हुए देखा? नहीं साहब, हम तो सवेरे आए थे दुकान खोलने के, हमें नहीं पता साहब। आप लोग पीछे हो जाइए प्लीज। कमल, ये बॉक्स किसी कुरियर कंपनी का लगता है, इसका स्टैंप भी। पता करो किस कंपनी का, पर ये भी पता करने की कोशिश करो इसका सेंडर और रिसीवर को। सर, बॉडी के टुकड़े करके फेंके गए, मतलब मुमकिन है कि बाकी के टुकड़े भी यही कहीं फेंके गए, क्योंकि कोई भी किलर अपने साथ बॉडी के पार्ट्स लेके घूमने का रिस्क नहीं ले। आसपास चेक करो कुछ मिलता है। सर, बॉडी पार्ट्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पार्ट्स किसी औरत के हैं। आसपास के पुलिस स्टेशन में चेक करो किसी औरत की कोई मिसिंग कंप्लेंट है, और जब तक बॉडी के बाकी पार्ट्स नहीं मिले इन्हें फोरेंसिक भेज। सर, कार्टन में मिले लाश के टुकड़ों से सनसनी फैल गई। पुलिस ने लाश के दूसरे हिस्सों को ढूंढने के लिए तलाश तेज कर दी। साहब, मैंने फोन किया था। साहब इधर आइए। साहब साहब, हम लोग इधर मछली पकड़ने आते हैं, आ जाए तो साहब ये दे। कार्टन को बाहर निकाल। लगता है उसी बॉडी का टुकड़ा है जिसके टुकड़े हमें कल उस कारपेंटर के शॉप में मिले। बॉडी पे कपड़े भी वैसे ही हैं जैसे उसके चिथड़े थे। सर, लेकिन सिर नहीं मिला। जब तक सिर नहीं मिलता बॉडी पहचाना मुश्किल है। हो सकते सिर को यहीं कहीं डिस्पोज किया, आसपास अच्छे से चेक कर, पर बॉडी को फोरेंसिक के लिए भेज। सर, हमारी बेटी रीमा की खबर मिली साहब? देखिए, हमने आपकी बेटी की तस्वीर हर जगह भेजी है, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। हो सकता है वो अपनी प्रेमी के साथ भागी है। हमारी बेटी ऐसी नहीं है साहब, हम तो ये सोच सोच कर डर रहे हैं कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी वैसे हम खबर करेंगे आपको। ठीक है, आप लोग जा सकते। सभी थाने से इस लड़की की अपडेट लेते रहो। सर, ये वो कार्टन है जो हमें कारपेंटर शॉप से मिला था, और ये हमें तालाब के पास से मिला। इन दोनों बक्सों में एक औरत की बॉडी के कटे हुए हिस्से मिले, और ये वो कपड़ों के चितड़े हैं जो उन बॉडी पार्ट्स पे जो मैच कर, तो हो सकता है कि ये बॉडी पार्ट्स किसी एक ही औरत है। सुनिए, देखिए दोनों कार्टन्स पे जो टेप है उस पे कोई मार्किंग है जो एक ही तरह है, हो सकता है ये कुरियर कंपनी की खुद की टेप हो। ये मार्किंग थोड़ी मिटी हुई है, लेकिन ये नंबर थोड़ा क्लियर है। इस नंबर को हर एक कुरियर कंपनी में भेजो, हो सकता है इन कार्टन्स का राज खुल जाए। जी सर। पुलिस को लाश के टुकड़े एक कार्गो कार्टून बॉक्स में मिले थे, और केवल इतनी सी लीड से पुलिस ने हजारों कुरियर कंपनीज को खंगालना शुरू किया। चौहान, बच्चों ने कुछ बोला? नहीं सर, मैं वहीं से आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, उनसे पूछताछ करते रहो, जैसे कुछ बोले मुझे इन्फॉर्म करो। सर, कार्टन में जो बॉडी के टुकड़े मिले उन पर एक कपड़ा था जिसपे ये टैग है, इस टैग की हालत काफी खराब है। एक मिनट। SHEEIAL सिंह, ये आई नहीं एल हो सकता, यानी शीला। पता करो कि शीला नाम से भी कितने ब्रांड, और ये किसी बड़े डिजाइनर का ब्रांड नहीं लगता। इस पैमाने पे डिजाइनिंग करने वाली कई छोटी छोटी कंपनी है, लेकिन शीला नाम पे जितने भी ब्रांड रजिस्टर्ड सबके बारे में पता। और हाँ, एक ही जैसे कार्टन बॉक्स और इन कपड़ों के टुकड़ों से ऐसे लगता है कि ये बॉडी किसी एक ही औरत है। खैर, फॉरेंसिक रिपोर्ट से सब क्लियर हो जाए। तुम इस ब्रांड के बारे में पता करो। सर, पुलिस को मिल रहे सारे सुराग बेहद ही मुश्किल और लंबी प्रक्रिया वाले थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैद टीम पूरी सूझबूझ से अपनी तहकीकात को आगे बढ़ा रही थी। जी हाँ, ये लेबल तो हमारा ही है, और ये गारमेंट हम बहुत लोगों को सप्लाई करते हैं, पहले होलसेलर्स,
फिर रिटेलर्स, और रिटेलर्स में भी शॉपकीपर्स के पास जाते हैं, फिर रोड में बिजनेस करने वालों के पास भी। पर सर आप जानना क्या चाहते हैं? देखिए, हमें एक बॉडी मिली जिस पर एक कुर्ती थी, पर इस कुर्ती में आपका ये लेबल लगा। ये लेबल मैं आपको बता दूं कि हम 2 साल पहले बनाना बंद कर चुके हैं, हमने अपनी डिजाइन बदल दी है। और ये लेबल कुछ महंगे कुर्ते में ही लगते थे जो कुछ खास शहरों में हम बेचते हैं। ठीक है, हमें इन सारे शहरों की लिस्ट और वहाँ के जो भी शॉपकीपर थे, रिटेलर थे, उनकी पूरी जानकारी। जय, वो डीलर्स वाली लिस्ट लाना जरा। उन दोनों कार्टन्स में जो बॉडी के टुकड़े मिले, उनकी फोरेंसिक रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट से पता चला है कि वो सभी टुकड़े किसी एक ही औरत के बॉडी के थे, जिसकी उम्र करीब 30 साल हो। और वो कपड़े के टैग से कुछ पता चला? सर, हमने करीब 55 दुकानें और 350 डीलर्स को शॉर्टलिस्ट किया, यहाँ से शायद उस कुर्ती को खरीदा गया। और उन कार्टन बॉक्स के बारे में कुछ पता? सर, उस कार्टन पे जो लेबल और जिस टेप से उसे बांधा गया, उस पे अरेबिक में लिखा। मतलब ये कुरियर कंपनी इंटरनेशनल कुरियर में भी डील करती है? जी सर। सर, हमने करीब 90 कुरियर कंपनी से बात की, पर फाइनली एक कंपनी ने बताया कि इस कंसाइनमेंट को उन्होंने हैंडल किया। उनका नाम है लोडेड कुरियर्स। इस कुरियर कंपनी में जाके इन बॉक्सेस के बारे में पता किया? जी सर। सर, ये नंबर उस कंसाइनमेंट का है जो यूएई से आया था। इसके सेंडर और रिसीवर दोनों नावेद अख्तर। इस नावेद अख्तर का एड्रेस दो। इसकी कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए सर। सर, लोडेड कुरियर कंपनी से पता चला है कि उस कार्टन के कंसाइनमेंट का सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही आदमी है, कोई नावेद अख्तर, जो दिल्ली का रहने वाला है। चलो। जी कहिए सर। इस कार्टन को पहचानते हैं? हाँ सर, इन कार्टन्स में हमारा सामान आया था। कहाँ से? दुबई से। सर, हम लोग दुबई में रहते थे, कुछ ही दिन पहले हम इंडिया वापस आ गए। कितने कार्टन्स थे ये? आई थिंक 12। नहीं सर, 12 नहीं, 14 कार्टन्स। हाँ सर, 14 थे। लेकिन अभी तो तुमने कहा 12 थे। सर, क्या है ना कि याद नहीं रहा। वैसे पैकिंग की सारी जिम्मेदारी इन्होंने संभाल रखी थी, मैं तो अपना बिजनेस रैप अप करने में मशगूल था सर। क्या बिजनेस था तुम्हारा? ट्रेडिंग कमीशन का। इन कार्टन्स का क्या किया आपने, दिखाइए हमें। ये रहे सर। ये तो सिर्फ 8 है, अपने 14 गए। खाली कार्टन्स थे सर, होंगे कहीं यहाँ वहाँ। यहाँ वहाँ तो हुए, लेकिन लाश के टुकड़ों के साथ। अब अपने दिमाग पे भरपूर जोर डाल के हमें बताओ कि वो कार्टन्स कहाँ हैं, या फिर लॉकअप में ले जाके याद दिलाने में मदद करें हम तुम्हारी। याद आया सर, हमने कुछ कार्टन्स हमारी काम वाली बाई को दिए। उसने कहा था कि उसे घर का सामान रखने के लिए जरूरत है। उसका नाम और एड्रेस है? है ना सर, सबका नाम, एड्रेस, फोन नंबर सब लेके रखा है। ये पास ही में 4 मकान छोड़ के रहती है। हम इस एड्रेस पे जाके वेरीफाई करो सर। इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, अल्लाह के करम से कभी पुलिस नहीं आई घर। पता नहीं मैडम ने क्या कर दिया। साहब, मेरे पास सामान रखने के लिए सूटकेस नहीं था, इसलिए मैम साहब से ये बक्से मांग लिए। ये तो 3 बक्से, बाकी के 3 का? मैम साहब ने तो मुझे ये 3 बक्से दिए। तुम्हारे मैम साहब ने ही कहा सारे बक्से तुम्हारे पास। अल्लाह खैर करे साहब, हमारे पास बस 3 ही बक्से हैं। मैम साहब झूठ बोल रही है। आपके 14 कार्टन्स में से 8 आप ही के थे, 3 आपकी नौकरानी के थे, बचे हुए 3 का है? बोलो। मैं बताता हूँ, 3 कार्टन्स में तुमने बॉडी को ठिकाने लगाया था, जिनमें से 2 हमें मिल चुके हैं। अब बताओ। हाँ सर, याद है सर, दुबई से इंडिया पहले मैं आया था, और एक हफ्ते बाद मन्नत आई थी।
और यहाँ आने के बाद मानेसर में मेरा एक पुराना मकान है सर। उस मकान में कुछ पुराना सामान और ना इस्तेमाल होने वाला सामान उन्हीं कार्टून में पैक करके रखा। सर इस तरफ। यहाँ तो ताला लगा है। चाबी है मेरे पास। खोलो। चेक करो पूरा कर। सर। सर यही सब सामान कार्टन में रखा था। सामान तो ही पड़ा है, कार्टन की नजर नहीं आ रहा। सर अंदर कुछ नहीं मिला। सर मैंने घर किराए पे दिया था, लगता है घर छोड़ने चले गए बिना बताए। नंबर है उसका? है ना सर, वाजिद खान। नंबर नोट करो सर। अनुज दो तीन दिनों से देखा नहीं सर। काफी शरीफ थे, उनके तो बच्चे भी। सर जिस गैराज में हमारी ससुर जी की गाड़ी काम के लिए जाती है ना, वहाँ एक हिमायत नाम का आदमी है, उसको अक्सर वहाँ आते हुए देखा है। हिमायत कर सर वो मस्जिद वाली गली में, किसी से भी पूछ। जी कहिए। पुलिस। और साहब बात क्या है मतलब? वाजिद को जानते हो? जानता हूँ मतलब साहब मेरा भाई है, सगा भाई है। कहाँ है वो? अपने घर पे होगा, और कहाँ हुआ साहब? वो घर पे नहीं। तो सर उसकी बीवी जोया होगी घर पे, उससे पूछिए कहाँ है। घर पे ताला बंद है और दोनों के फोन भी बंद। हम जानना चाहते हैं वो लोग हैं कहाँ। मेरा एक बड़ा भाई है इम्तियाज साहब, मैं उससे फोन करके पूछता हूँ कि शायद उसे मालूम हो साहब। वाजिद या जोया दोनों में से कोई भी तुमसे कॉन्टेक्ट करे तुरंत हमें बताना। जी जी साहब। जाना है बेटा? हमें अप्पू के पास जाना है। आपकी मम्मी मतलब अम्मी कहाँ है? अम्मी अप्पू को लेके चली गई। ये तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। सर अभी अभी नीता अवस्थी के पति रंजन का फोन आया था, उसने कहा कि बच्चे ने ये बोला कि उसे अब्बू और अम्मी के पास जाना है। अब्बू? इसका मतलब ये बच्चे किसी मुस्लिम का है। और कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं सर। सिंह तुम दोनों जाओ, बच्चों से पूछताछ शायद इनकी फैमिली के बारे में होगी। सर बेटा तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है? मेरे स्कूल का नाम मॉडर्न। मॉडर्न क्या बेटा? मॉडर्न। बेटा तुम्हारा स्कूल है कहाँ? मॉडर्न। बेटा तुम्हें वहाँ बस स्टॉप पे छोड़ा किसने? अब्बू ने या अम्मी? अब्बू ने। तो जब तुम्हें वहाँ अब्बू ने छोड़ा उन्होंने तुमसे कुछ कहा था? ये कहा था कि वो तुम्हें लेने आएंगे? सर रहने दीजिए ना, वो परेशान हो रहा है। मैडम प्लीज। बेटा तुम्हारे अब्बू ने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि परी का ख्याल रखी और कोई लेने के लिए आ जाए तो उसके साथ चले जाना। आप दोनों से थोड़ी बात करनी है, जरा बात।
आप इन बच्चों को पहले से जानती है ना? नहीं सर, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये दोनों उस रात मुझे रोड पर मिले थे। फिर वो बच्चा ये क्यों कह रहा है कि उसके अब्बू ने कहा था उसे बस स्टॉप पे लेने कोई आएगा और उसके साथ चले जाना? मुझे नहीं पता सर, हो सकता है सच में इन्हें कोई लेने आने वाला हो। लेकिन ये भी हो सकता है उन्हें लेने आप ही जाने वाली थी और उसके अब्बू ने आपको पहले से बता दिया। ये क्या बकवास है सर, मैं किसी को नहीं जानती। देखिए, हमने आपके बारे में सब कुछ पता कर लिया। आपके बच्चे के गुजर जाने के बाद आप एक दूसरा बच्चा चाहती थी, है ना? हर औरत चाहती है सर। लेकिन अब आप मेडिकली मां नहीं बन सकते, ये बात भी सच है। जी सच है। तो फिर ये हो सकता है कि आप ही ने इन बच्चों को खरीद लिया या फिर किडनैप कर लिया। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? सलामत एनजीओ को कॉन्टेक्ट करो सर। बच्चों की कस्टडी ले लो सर। सर सर प्लीज मुझे मुझसे अलग मत कीजिए। देखिए वो यहाँ पर खुश है, वो बच्ची मेरी गोद में आके ऐसे चुप हो जाती जैसे अपनी माँ की गोद में हूँ। आप उन्हें ले जाकर उन पर जुल्म मत कीजिए प्लीज सर। खबरदार खबरदार, कोई नहीं लेकर शहजाद इधर आ बेटा, मेरे पास आओ। उसे बच्चे को छोड़िए आप सर। ऐसा रोको ना, इन्हें रोको ना। नीता वो हमारे बच्चे नहीं है, जाने दो उन्हें। यहाँ गुरुग्राम में जितने भी स्कूल के नाम में मॉडर्न आते हैं वहाँ जाके इन बच्चों के बारे में पूछताछ करो, पता करने की कोशिश करो उनके माँ बाप का नाम क्या और उनका एड्रेस क्या। सर सर कोई लीड नहीं मिला अब तक इस केस में, हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे। सिंह, इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें वाजिद और जोया की हिस्ट्री को खंगालना होगा। वाजिद के भाइयों को एक बार फिर से बुलाओ, उनसे दोबारा से पूछताछ करो। सर साहब, मेरी फैमिली है, बेगम है, एक बच्चा है और साहब हम लोग महीने दो महीने में एक बार ही मिलते हैं। रहते गुरुग्राम में ही है पर घर बहुत दूर दूर है तो आना जाना कम ही होता है। काम कहाँ करता है? फिलहाल तो कोई काम नहीं है साहब उसके पास, बेकार ही था वो। देखिए वाजिद के घर से 3 बक्से गायब हुए, उनमें से 2 में हमें औरत की कटी हुई लाश मिली। हम जानना चाहते हैं कि वाजिद और जोया के आपसे रिश्ते कैसे। बहुत अच्छे रिश्ते थे साहब, उन्होंने तो लव मैरिज की थी। तुम्हें पता है ना सोया तुम क्या कर रही हो? अगर मैंने घर छोड़ा है तो तुमने भी तो अपना घर छोड़ा है। हाँ सोया, लेकिन फिर भी वाजिद, अब लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हें पता है ना कि मेरे घर वाले कभी भी हम दोनों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मेरे भैया तुम जानते हो ना कितने कट्टर है, उन्हें पता चलेगा ना तो हम दोनों को जान से मार देंगे। मैं तुम्हें बहुत खुशियां दूंगा। 5 साल पहले हमारे घर आए थे साहब। सलाम वालेकुम भाईजान। अरे वालेकुम अस्सलाम वाजिद मियां, अचानक बस ऐसे ही आ गया था। ये भाईजान ये सोया है, अपने ही गांव की है, हम दोनों घर से भाग कर आए। एक बात मेरी समझ में, जब वाजिद और जोया दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों बालिक क्या कमाने की उम्र में थे और दोनों के मजहब भी एक ही, फिर दोनों को भाग के शादी करने की जरूरत क्या? साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जोया ने मुझे खुद बताया था कि वो हिंदू धर्म से। भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। भाभी मैं आप लोगों के धर्म की नहीं हूँ, मेरा नाम जोया नहीं स्वर्णा है। भाभी मेरे भैया और पापा इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानते, अगर उन्हें जरा से भी भनक लगती कि मैं किसी और धर्म के लड़के के साथ प्यार करती हूँ तो मुझे जान से मार देते और इन्हें भी, इसलिए हम दोनों भाग कर। अच्छा जोया के बाप और भाई कभी आप लोगों के घर में आए या उस घर में जहाँ वाजिद और जोया रहते थे? नहीं साहब यहाँ तो कभी नहीं आए, पर जोया मायके जाने की जिद किया करती थी बार बार, रिश्ते ऐसे थोड़ी टूट जाते हैं साहब। आप लोगों ने आखिरी बार उन दोनों को कब देखा? सब जोया कुछ दिन पहले घर आई थी। अभी उसमें मैंने बच्चों का सारा सामान रख दिया है, मैं कल बच्चों को ले जाऊंगी अपने साथ। जोया क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो, सब ठीक तो है ना? नहीं भाभी कुछ भी ठीक नहीं है, इनकी नौकरी चली गई है, घर में पैसों की बहुत दिक्कत है। मैंने इन्हें 1000 बार समझाया कि मेरे घर से पैसे मंगवा लेते, लेकिन ये इतने खुददार है कि पैसा मंगवाना ही नहीं चाहते। लेकिन जोया तुम्हारे भाई ने तो तुम्हें माफ नहीं किया है ना? मैं उन्हें मना लूंगी भाभी, खैर मैं इन दोनों को छोड़कर जा रही हूँ। मैंने एक जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया है, शाम को इंटरव्यू है, खुदा ने चाहा तो ये नौकरी मिल गई तो सब ठीक हो जाए।
साहब अगले दिन आके वो बच्चों को लेके चली गई और उसने ये भी बताया कि उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। सर, बच्चे ने मॉडर्न नाम की जिस स्कूल की बात करी थी उसका पता चल गया। ये रही उसकी डिटेल्स। बच्चे के बाप का नाम वाजिद खान और माँ का नाम जोया खान है। फोटोग्राफ दिखाओ। सर, ये दोनों वाजिद के बच्चे हैं। मगर हुआ क्या है साहब? दरअसल इन बच्चों को किसी ने रास्ते पे छोड़ दिया। अब ये सलामत नाम के एनजीओ में, जब तक वाजिद और जोया मिल नहीं जाते, इन बच्चों को हम आप लोगों के पास छोड़ देंगे। साहब, मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिएगा। हमें मालूम नहीं है कि वाजिद और जोया कहाँ है इस वक्त। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। उन्हें कुछ हो गया तो साहब हम उनके बच्चों की परवरिश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मुझे वाजिद का अजमेर का एड्रेस चाहिए और जोया के पेरेंट्स का। और हाँ, हमारी इजाजत के बिना आप लोग ये शहर छोड़ के जाने की सोचना भी। और जो कुछ भी तुमने मुझे बताया उसमें से जरा सा भी झूठ हुआ तो अंजाम तुम लोग जानते हो। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। शहजाद, मेरा बेटा पायलट बनेगा। पायलट? हाँ, मैं पायलट बनूंगा और उड़ूंगा। अच्छा, कैसे? ठीक है, इस बारे में पूरी डिटेल्स मुझे दो। जय सर, अलीगढ़ पुलिस स्टेशन ने इस लड़की की फोटो भेजी। ये मिसिंग, इसका नाम रीमा है। सर ये देखिए, इसने लगभग इसी तरह के कपड़े पहन रखे हैं जो हमें डेड बॉडी पे से मिले। ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि मरने वाली लड़की यही है। पर ये दोनों केसेस बिल्कुल अलग है। You're right. लेकिन सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ये मरने वाली लड़की कौन है। इसे पहचानना मुश्किल है क्योंकि बॉडी का कटा हुआ सर अभी तक हमें नहीं मिला और कातिल ने जानबूझकर लाश के टुकड़ों को दूर दूर फेंक दिया था ताकि हम कभी भी उस तक ना पहुंच पाए। लेकिन सही सवाल अब भी कई है। एक ये कि अगर ये मरने वाली लड़की ये रीमा है तो सवाल ये है कि इसे किसने मारा होगा, क्यों, तो इसका वाजिद से क्या कनेक्शन है। और अगर ये जोया है तो जोया और उसके पति को जोया के बाप और उसके भाई से जानकर खतरा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वाजिद को भी मार दिया गया? या ये भी हो सकता है कि वाजिद ने इन दोनों में से किसी एक लड़की को मारा और कहीं भाग गया। पर अभी हम सिर्फ डीएनए टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि ये बॉडी जोया की है या रीमा की। सही कह रहे हो। एक काम करो, चौहान को बोलो कि उन बच्चों का ब्लड सैंपल दे और इस रीमा के माँ बाप का भी ब्लड। और तुम ऐसा करो कि एक टीम लेके अजमेर जाओ, वहां की लोकल पुलिस से मदद लेकर जोया और वाजिद के बारे में पता। सर, अलीगढ़ पुलिस से मिले नए सुराग से पुलिस और भी उलझ गई थी। अब इस केस के तार बाहरी इलाके से जुड़ गए थे। अब बड़ा सवाल ये था कि लाश जिस औरत की मिली थी वो कौन थी, जोया और वाजिद कहाँ थे, नीता को बच्चों का मिलना क्या महज एक इत्तेफाक था या कोई राज। पुलिस ने अपनी जांच टीम बढ़ा दी थी जो दिन रात इस गुत्थी को सुलझाने में लगी थी। तो आपका मतलब है वाजिद यहाँ नहीं है? जी हाँ, वाजिद जिससे उससे इस घर से गया उसने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। उस लड़की का भाई जब देखो मुंह उठा के आता है और हमें धमका के चला जाता है। मेरी बहन स्वर्णा कहाँ है? कौन स्वर्णा? तेरा जो कमीना बेटा है ना वाजिद, वो मेरी बहन को भगा के ले गया है। वाजिद ऐसा नहीं कर सकता। पूछ अपनी इस बेटी से, इसे सब कुछ मालूम है। उन दोनों को तो मैं ढूंढ के मार ही दूंगा। अगर तुझे पता है तो मुझे सच सच बता दे, वरना एक दिन तेरी इस बेटी को उठा के ले जाऊंगा। वाजिद अच्छा हुआ नहीं आया, आता तो मारा जाता। सब मारना चाहता था। मतलब जोया से शादी के बाद उन्होंने फोन किया था मुझे। सुहाना, आप कहाँ चले गए हो? वाजिद वापस आ जाओ, मैं जल्दी लौटूंगा। सुहाना फोन दे, फोन दे मुझे। वाजिद इस बीवी से कहो कि अपने उस कमजोर भाई को समझाए जो आए दिन घर में आकर धमकियां देकर जाता है, पापा की इज्जत लूटने की बात करता है। आखिरी बार वाजिद से कब बात हुई? करीब 20-25 दिन पहले। बहुत परेशान थी,
बता रहे थे उनकी नौकरी चली गई। वाजिद के घर से कुछ बक्से गायब हुए थे, उनमें से एक में हमें एक लड़की की लाश मिली। हो सकता है वो जोया, पर वाजिद का भी कुछ पता नहीं चला। ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं। वाजिद का किसी रीमा नाम के लड़की के साथ संबंध था? अल्लाह मेरे भाई भाभी की जोड़ी सलामत रखे। अरे वो तो किसी दूसरी औरत के साथ ताल्लुक रखने का सोच ही नहीं सकते। अब उनके बच्चे कहाँ हैं सर? उनके बच्चे फिलहाल एक एनजीओ में, अगर आप लोग उन्हें अपनाना चाहते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए साहब, ना तो हम ये जानते हैं कि वो लड़की कहाँ है और न ही हम जानना चाहते हैं। आपकी स्वर्णा से आखिरी बार बात कब हुई थी? 5 साल पहले, जब वो इस घर की बेटी थी और मेरी बहन थी। उसके बाद कभी उसने कॉल नहीं किया। हमें आपके ब्लड सैंपल चाहिए। क्यों? हमें एक लड़की की लाश मिली जिसका सिर नहीं, पर हमें उसकी शिनाख्त करने में मुश्किल हो रही, तो हम डीएनए मैचिंग करके देखना चाहते हैं कि क्या वो लड़की स्वर्णा है। हमारी बदकिस्मती है कि उसकी रगों में भी हमारा ही खून दौड़ रहा है। भगवान से मानूंगा कि लाश उसी की। सर, अजमेर में जोया और वाजिद दोनों के घर वालों से बात हुई। मुझे लगता है कि ऑनर किलिंग का केस हो सकता है, क्योंकि वाजिद के घर वालों ने बताया कि जोया और वाजिद के भाग जाने के बाद जोया के भाई राज ने वाजिद के घर वालों को कई बार धमकाया, पर यह भी कहा था कि अगर जोया और वाजिद वापस आए उन्हें मार दे। तो ठीक है, तुझे यह ऑनर किलिंग का मामला हो सकता है। एक काम करो, राज के कॉल रिकॉर्ड चेक करो और गुरुग्राम में जहाँ ये वाजिद रहता है वहाँ लोगों को राज की फोटो दिखाकर पूछो क्या कभी किसी ने उसको वहां देखा। सर, ये कपड़े तो मेरी बेटी के हैं साहब। आप लोगों को पूरा यकीन है कि ये कपड़े आपकी बेटी के? मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन वो ये कुर्ती खरीद कर लाई थी। बहुत अच्छी है, तुझमें बहुत खिलेगी। देखिए, हमें एक लड़की की कटी हुई लाश मिली, ये कपड़े उसी लाश पर से। इस बात को कंफर्म करने के लिए हमें आप लोगों का ब्लड सैंपल चाहिए। डीएनए मैच होगा तो ये बात कंफर्म होगी कि वो लाश आपकी बेटी रीमा की। सर, आपने सही कहा। जोया के भाई राज की मोबाइल की लोकेशन 27 अगस्त और उसके एक दो दिन बाद यहाँ गुरुग्राम में वाजिद के घर के आसपास की रही है। सर, ये देखिए, इस राज को और सख्ती से पूछताछ करो। सर, चल शुरुआत मैं कर दे। तू गुरुग्राम गया था 27 तारीख, तूने ट्रेन की टिकट भी ली। अब आगे की कहानी बोल। मैं स्वर्णा और उसके आशिक दोनों को मारना चाहता था। एक दोस्त ने मुझे उनका पता बता दिया था। उस दिन मैं उनके घर चला भी गया था, लेकिन वहां ताला लगा था। उसके बाद मैं रोज उनके घर जाता था, लेकिन घर लॉक रहता था। राज, ये तो सिर्फ तेरी आधी कहानी। तेरी आगे की कहानी मैं बताता हूँ। तू उनके घर गया, घर के अंदर भी गया और तूने उन दोनों को मार दिया। जोया की लाश तुम्हें मिल गई। अब ये बता कि तूने वाजिद की लाश को कहाँ ठिकाने लगाया? बोल। काश मैं अपने हाथों से उन दोनों की जान ले सकता। उन्होंने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था, सिर्फ जिससे प्यार किया उसी से शादी की। इसे तब तक अंदर रखो जब तक वाजिद का कुछ पता नहीं चलता। जेंस सर, बच्चों की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। सिंह, मुझे 27 अगस्त की इन तीनों की पूरी डिटेल चाहिए। कौन कहां था, क्या कर रहा था, किससे मिल रहा था। सर, पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लग गए थे। अब उनके शक और तफ्तीश का दायरा भी सीमित हो गया था। सर, एक इम्पोर्टेंट बात पता चली। क्या? हत्या वाली रात यानी 27 अगस्त को हमें जिस जिस जगह लाश के टुकड़े मिले थे हर उस जगह पे एक टेम्पो को देखा गया। सर, हमने टेम्पो के मालिक का पता भी लगा लिया। ये रही उसकी डिटेल। सर, रीमा की लीड मिली, उसका फोन अभी अभी स्विच ऑन हुआ था। लगता है इस केस से बहुत जल्द पर्दा उठने वाला है, क्योंकि हमारी हरकत को देख के हत्यारे भी हरकत में आएंगे और कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करें। सफे नजर बनाए रखो और चौहान, इस टेम्पो के मालिक को उठा के लाओ और तुम रीमा को ट्रैक करो। सर,
अगर तुम लोगों को ये लग रहा है कि तुम्हें मारते मारते हम लोग थक जाएंगे तो गलत फहमी है तुम्हारी। शिफ्ट बदल बदल के मारेंगे तुम लोगों को। सब बताता हूँ साहब, उस रात हिमायत मेरे घर आया, ये बहुत घबराया हुआ था साहब। सब खैरियत तो है ना? खैरियत तो नहीं भाईजान, हमें वाजिद के घर अभी निकलना होगा। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो इतनी रात को तुम दोनों अपने उस भाई वाजिद के घर गए? उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मुझे मैसेज करो। फोन सिर्फ 15 सेकंड के लिए ऑन हुआ था। एरिया बता सकता हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन बताना मुश्किल है। तुम इस एरिया में उसे ढूंढेंगे कहाँ? गाड़ी साइड में लगा दो। बीमा की फोटो लेके इस एरिया में अच्छे से पूछताछ करो। फिर क्या हुआ? मैं और हिमायत वाजिद के घर पहुंचे। वाजिद कौन है? हिमायत, हिमायत बोलो। सर मैं अभी फोन ऑन किया है। इसके पहले कि उसका फोन स्विच ऑफ हो जाए उसका लोकेशन ट्रेस करो, इमीडिएटली भेजो मुझे। हाँ बोलो। सर उसने अभी अभी फोन ऑफ किया है। बस और कोई रास्ता नहीं था भाई जान। पागल हो गए यार। और बच्चे? बच्चे अंदर सोए हैं। कैसे भी करके इसको ठिकाने लगा देते हैं। भाई जान मुझे जेल नहीं जाना है, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। लाश को ठिकाने लगाने के लिए मैंने और हिमायत ने सिर्फ वाजिद की मदद की, हमने किसी को मारा नहीं साहब। भाईजान सच कह रहे हैं, तुम लोगों ने एक मुजरिम का साथ दिया, पुलिस से बात छुपा के इन्वेस्टिगेशन को गुमराह किया। देखते जाओ तुम लोगों पे कितनी दफाई लगेगी, तब तक तुम्हारे उस लाडले भाई से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या। साहब 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 सिंह सर प्लीज 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 मत पहले। चल बोल ये सब क्यों किया वरना उल्टा लटका के मारूंगा। सर मेरी और जोया की शादी हो गई थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था, वो दूसरे धर्म के होने के बावजूद उसने हमारे मजहब में अपने आप को बहुत अच्छे से ढाल लिया था, उसके घर की माली हालत भी बहुत बेहतर थी हमसे। और यहाँ मैं दो वक्त की रोटी के लिए दर दर भटक रहा था, नौकरी ढूंढ रहा था मैं पर मिल नहीं रही थी। मैंने जोया से जो भी वादा किया था वो मैं पूरा नहीं कर पाया था, इसलिए दिन ब दिन वो गुस्सा हो रही थी मेरे ऊपर। वाजिद सिर्फ प्यार मोहब्बत से घर नहीं चलता, घर चलाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। तुम खुद तो काम नहीं करते, कम से कम मुझे तो काम करने दो। हाँ तो करो ना, मैंने कब मना किया तुम्हें? वाजिद मैं सिर्फ अपने लिए नहीं इस घर के बारे में सोच रही हूँ। अरे यार तो सोचो ना, जाओ प्लीज मेरा दिमाग खराब मत करो यार। मैं दिमाग खराब कर रही हूँ? मैं दिमाग खराब करूँ कि तुमने मेरा दिमाग खराब कर रखा है? तंग आ गई हूँ मैं इस घर में। रोज रोज की किटकिट की वजह से वो मेरे दिल से उतर रही थी। एक दिन दोस्त की शादी के सिलसिले में मैं चंपारण गया, तब मैंने रीमा को पहली बार देखा था, तो पहली नजर में मुझे पसंद आ गई थी और मैं भी रीमा को पसंद आ गया। मैं इसे सब कुछ सच सच बताने वाला था लेकिन मैं डर गया था कि अगर इसे सब कुछ सच सच बता दूं तो
तो ये मुझे छोड़ देगी। इसलिए मैंने एक दिन इसे गुरुग्राम बुला लिया, लेकिन हम दोनों को जोया ने साथ में देख लिया और वो मुझ पर बहुत गुस्सा हुई। वाजिद, तो ये वजह थी तुम्हें काम ना मिलने की? नहीं नहीं जोया, मेरी बात सुनो। देखो, मेरा नहीं तो कम से कम अपने दोनों बच्चों को तो ख्याल किया होता। अच्छा नहीं किया तुमने। जोया मेरी बात तो सुनो। तुम जोया, देखो रीमा, देखो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद रीमा भी मुझसे दूर जाने लगी। रीमा प्लीज मेरी बात तो सुनो। रीमा मुझे समझाने का मौका तो दो। प्लीज प्लीज मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। मेरे लिए तो तुम्हारे पास कोई जगह ही नहीं है। रीमा, मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में भी जगह रखूंगा और अपने घर में। ठीक है, तो पहले अपनी बीवी से छुटकारा पाओ और अपने बच्चों से नहीं जाओ। कर पाओगे? मैंने कहा कर पाओगे? लेकिन जैसे तैसे मैंने रीमा को मना लिया। मैंने जोया से कहा था कि अगर तुम घर से जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन अभी बच्चों को भी साथ में लेके जाना पड़ेगा। तुम जैसे घटिया सब रहना ही नहीं है मुझे। तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है ना? जाओ अभी के अभी यहाँ से जाओ और अपने बच्चों को भी साथ में लेके जाओ। वो सिर्फ मेरे बच्चे, तुम्हारे कुछ नहीं लगते? एक दूसरी औरत के लिए तुम मुझे घर से निकाल रहे हो? हाँ, मैं जाऊंगी, लेकिन पुलिस स्टेशन जाऊंगी, तुम्हारे माँ बाप के घर जाऊंगी, अपने घर जाऊंगी, पूरी दुनिया को तुम्हारा ये घटिया चेहरा दिखाऊंगी मैं। स्टेशन जाओगी तुम? दुनिया के सामने जाओगे तुम? पूरी दुनिया के सामने जाओगे तुम? सर मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। लाश को ठिकाने लगाने के लिए मैंने हिमायत भाई और इम्तियाज भाई को बुला लिया। हेलो हिमायत भाई, आप जल्दी घर आ जाइए। वो जो है यार, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैं रीमा से शादी करना चाहता था। रीमा को लेकर, भाइयों से पैसे लेकर कहीं दूर जाकर बसना चाहता था, लेकिन रीमा मुझे बच्चों के साथ एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मैं बच्चों को रास्ते में नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उन्हें कमल नगर में छोड़ दिया ताकि कोई अच्छा इंसान उन्हें अपने साथ ले जाए। दूर जाकर फिक्र के मारे खड़ा रहा, उनको ऐसे ही देखता रहा। एक भली औरत के हाथ में बच्चे देखकर मैं संतुष्ट हो गया था कि बच्चे सुरक्षित। दोनों लड़कियों पे एक जैसे कपड़ों की क्या पहली है? एक्चुअली मैंने एक जैसे दो ड्रेस लिए थे और वो दोनों को गिफ्ट किए थे। शरीर के बाकी हिस्से तो हमें मिल गए, सर नहीं मिले। कहाँ फेंका था उसे? गुरुग्राम के आगे खाई है, उसी के नाले में डाल दिए। और ये रीमा के साथ कब से डेरा जमाया हुआ था तुमने? हमें पता चला कि पुलिस हरकत में आ गई है, इसलिए हमें भागने का मौका ही नहीं मिला। सर दो वश्तियों में सवार होकर मैं डूब गया। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। दो कश्तियों की सवारी तूने अपनी मर्जी से की, अपनी सुकून भरी जिंदगी को बर्बाद भी तूने खुद किया। अपनी पत्नी का खून किया, अपने बच्चों को दूसरे के हवाले कर दिया और चला था किसी और से प्यार जताने। एक शादीशुदा और दो बच्चों के बाप होकर और रीमा से रिश्ता जोड़कर सिर्फ अपनी ही नहीं, तुमने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। अब सड़ते रहना सारी जिंदगी जेल। जो बांधने से बंधे और तोड़ने से टूट जाए उसका नाम है बंधन, और जो अपने आप बन जाए और जीवन भर ना टूटे उसका नाम है संबंध। और संबंधों में एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान है इसकी मजबूती। जहां सगे बाप ने अपने बच्चों से रिश्ते का बंधन तोड़ लिया, वहीं नीता ने उन बच्चों से हमेशा के लिए संबंध जोड़े रखने के लिए उनकी लीगल कस्टडी के लिए एप्लीकेशन दायर कर दी है, जो अदालत में जेरे गौर है। याद रखिए, रिश्ते महज जोड़े नहीं जाते, निभाए जाते हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.